कोरोना महामारी के बीच शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लोग हर्ष फायरिंग कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, हालांकि इस दौरान कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो खुशियों को गम में बदल रही है। बावजूद इसके लोग अब भी सचेत नहीं हो रहे हैं। मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड में भी हर्ष फायरिंग का एक मामला सामने आया है। ज्ञात हो कि बिहार में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग पर मनाही है। लगातार हर्ष फायरिंग पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भी धरहरा प्रखंड के अमारी गांव में बीती रात एक शादी समारोह में वरमाला के दौरान अवैध देसी कट्टा से फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में फायरिंग कर रहे युवक देखने से पढ़ने लिखने वाले नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात्रि अमारी गांव निवासी कैलाश पंडित की पुत्री के शादी में गांव के ही कुछ युवकों के द्वारा अवैध हथियार से फायरिंग करते वीडियो एवं सेल्फी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताते चलें कि विगत वर्ष पूर्व धरहरा प्रखंड के हिमजापुर ओपी क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग से एक बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस बाबत धरहरा थानाध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। हर्ष फायरिंग में शामिल युवकों को गिरफ्तार किया जाएगा। डॉक्टर शशिकांत सुमन।